नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय टीबी पीसीआर है। टीबी पीसीआर यानी कि एक टीबी का टेस्ट जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हमें बहुत ही कम बैक्टीरिया की मात्रा में भी हम उसको ढूंढ पाते हैं। ज़्यादातर जो टीबी के टेस्ट होते हैं वह हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि बड़ा सा पीस लेकर उसका टेस्ट या फिर बैक्टेक कल्चर से किया जाता है, पर टीबी पीसीआर एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है जिसकी आईवीएफ से पहले ज़्यादातर सेंटर्स में सलाह दी जाती है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि टीबी पीसीआर टेस्ट जो है वह करवाना चाहिए, उसके बेसिस पे क्या हमें टीबी की दवाई खानी चाहिए या नहीं। तो टीबी पीसीआर जो टेस्ट है वह बच्चेदानी के अंदर से बनाया जाता है। कई बार ये बिना किसी ऑपरेशन के ओपीडी बेसिस में बच्चेदानी में से पीस लेकर कराया जाता है, और कई बार जो ये जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम भी हम लेकर पीसीआर का टेस्ट बनाते हैं। तो पीसीआर का जो टेस्ट है वह खाली सिर्फ पीसीआर का टेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। पीसीआर के टेस्ट के साथ जो है हिस्टोपैथोलॉजी या कोई और जो है टिश्यू का प्रूफ ज़रूर होना चाहिए कि टीबी की जो प्रेजेंस है या नहीं है। कई बारी जो ये टेस्ट है ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी आ जाते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि टीबी नहीं है, डेड बैसिलाई हैं, और सिर्फ पीसीआर का टेस्ट बैसिलाई ढूंढ रहा है और कह रहा है कि हाँ टीबी की प्रेजेंस है। और कई बारी उल्टा भी होता है कि बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज़ होती है, मगर पीसीआर का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। सेंसिटिव टेस्ट होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। तो अगर आपको टीबी पीसीआर के टेस्ट के बेसिस पे डॉक्टर टीबी की दवाई डाल देते हैं तो ऐसा करना कुछ हद तक गलत है। इसके अलावा जो दूरबीन पे देखने पे बच्चेदानी के अंदर या बच्चेदानी के बाहर अगर हमें टीबी की जो शंका हो रही है उसके अलावा हमारे पास कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रूफ है तभी हम टीबी की दवाई डाल सकते हैं। अब कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हमें बिल्कुल टीबी का कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा होता, जैसे उनकी बच्चेदानी बिल्कुल ठीक होती है, बच्चेदानी की लाइनिंग बिल्कुल ठीक होती है और ओवरीज बिल्कुल ठीक होती हैं, ट्यूबें बिल्कुल ठीक होती हैं, सारा कुछ बिल्कुल ठीक होता है, उनको सिर्फ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। उनमें ज़्यादातर डॉक्टर सोचते हैं कि टीबी ही होगी और टीबी की दवाई ऐसे ही डाल देते हैं। अब ऐसा करना जो है थोड़ा गैरकानूनी और गलत है, इसलिए अच्छे से टीबी का टेस्ट जो है बताया जाता है कि आपको टीबी है तो भी आपको अच्छे से तफ्तीश करनी चाहिए किसी सरकारी अस्पताल में जाकर या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर कि क्या वाकई मुझे टीबी की दवाई खा लेनी चाहिए कि नहीं। अब बिना टीबी के टीबी की दवाई खाने के काफ़ी सारे खतरे हैं। एक तो टीबी की जो दवाई होती है जो नॉर्मल बैक्टीरिया पे असर कर रही होती है, अगर ऐसे पेशेंट टीबी की दवाई खाएं जिनको टीबी नहीं है तो उनको जो है ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगी, मतलब वाकई जब कभी टीबी होगी तो उनको जो है वो दवाई असर नहीं करेगी। या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो टीबी की दवाई पेशेंट्स ज़्यादा पेशेंट्स खाएंगे तो बैक्टीरिया ही टीबी की दवाई को रेजिस्टेंट हो जाएगा और वो दवाई दोबारा बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं करेगी। सो टीबी की दवाई शुरू होने से पहले एक सरकारी अस्पताल में जाकर ज़रूर दिखाना चाहिए जहाँ से टीबी की दवाई मिले, ताकि डॉक्टर जो हैं वो अच्छे से इस चीज़ को निश्चित कर लें कि वाकई में आपको टीबी की तकलीफ़ है कि नहीं। तो टीबी की जो क्या लक्षण होते हैं, जो लेडीज़ को बच्चे नहीं हो रहे होते उनमें टीबी के लक्षण होते हैं, ट्यूबों का बंद होना, ट्यूबों में पानी भरना, बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग है उसका कम होना, ऐसे पेशेंट्स में हमें ज़्यादा शक होता है, इसलिए हम ज़्यादा अच्छे से निगरानी में रखते हैं पेशेंट को कि इसको कहीं टीबी तो नहीं है। जो बिल्कुल ठीक ठाक पेशेंट है उसमें टीबी होने की संभावना उतनी ही कम होगी, उसमें टेस्टिंग को उतना ही लाइटली लिया जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव भी आ गया फिर भी देख परख के ही दवाई देनी चाहिए, और टीबी की दवाई एक बार शुरू हो जाए तो फिर बीच में बंद ही करनी चाहिए क्योंकि उसके कारणवश भी काफ़ी लोगों को ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। सो अगर किसी को टीबी की दवाई की एडवाइस मिली है या टीबी की दवाई लेने के बारे में पेशेंट सोच रहे हैं या उनको अभी शक है कि उनको टीबी है कि नहीं है या उनकी बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही है या ट्यूबों में पानी भरा हुआ है या ट्यूबें बंद हैं जिसके कारण लग रहा है कि टीबी की शिकायत हो सकती है, तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ मुलाकात करें जो आपको एक सही तरीके से इस केस में आगे लेकर जाएंगे। अगर आपको फिर भी इस केस को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप जो है इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।